जो 19 लाख देश की ईवीएम मशीन गायब है ना, वो ऐसे नहीं गायब है, जवान मुंह में दिखाया था ना क्यों गायब करी जाती है ईवीएम मशीन, बस वो सच्चाई दिखाई है। पाजी ये ठो या ईवीएम मोदी जी आ रहे हैं। वो मैं तो कह रहा हूँ जी, वो तो ईवीएम पे तो मोदी जी ईवीएम पे तो 500 पार है यार। हाँ। बैरल पे 50 पार करके दिखाएं। अच्छा हाँ। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? बिल्कुल सच्चाई बोली पाजी ने, बिल्कुल बैलेट पेपर से जीत गए ना। हाँ। इनकी औकात नहीं जीतने की, इनके दम नहीं, क्योंकि झूठ बोलते हैं हमेशा। क्या ऐसा अगर गड़बड़ी नहीं है ईवीएम में, मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार के लोग जितने भी ये कह रहे हैं कि ये सब गलत है, ईवीएम का ऐसा कोई मुद्दा नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आप कराओ ना। आप कह दो विपक्ष को हम तैयार है, मोदी हम पीएम के बैठ पीएम की कुर्सी पे बैठे हुए आदमी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वोट देकर हमने पीएम बनाया है, कुर्सी से मोदी जी को होता और तो उसके बाद कौन पूछता मोदी को, कौन मोदी बड़ा साल तक, 50 साल तक भाई साहब लाल किले पे 50 नेता आए 50 गए। ठीक है ना, जब तक वो नेता रहते हैं, जब तक कुर्सी पे रहते हैं तब तक इज्जत कुर्सी की होती है, कुर्सी तो उतरने होगी, इज्जत कौन करता है? और ये जो कर्म कर रहे हैं, जो अपने लिए अपने काम जो कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से उतरने का, कुर्सी से उतरने का, देश छोड़ के भागेंगे। मोदी जी आएंगे? नहीं आएगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, गलत है। मोदी जी 400 बिल्कुल 101% 400 पार। और ये रहे जो ये नशे में है लग रहा है जो बोल रहे हैं ना, इनको अंबेडकर, इनको बता दिए अंधभक्तों को, अंधभक्तों को मैं बता दूं, हम अंबेडकरवादी नशा करते तो अंबेडकरवादी विचारधारा का, अंधभक्ति विचारधारा का नहीं बंधन है, ये भी टूट जाएगा। ओ भाई उनको पूछो, उनको एक मिनट रुको, उनको पूछो सबसे पवित्र गठबंधन होता पति पत्नी का, वो गठबंधन ही निभा सके, बाकी का निभाएंगे। सही बात है, बिल्कुल राइट। अब ये गठबंधन मोदी जी कह रहे ना गठबंधन टूटने की बात, मैं कह रहा हूँ 2024 में बैलेट पेपर से इलेक्शन कर लो, मोदी जी का घमंड टूट जाएगा। पांच ही काम गिनवा दो, बता दो तुम तो, पांच ही गिनवा दो, बता दो गोधरा कांड पुलवामा, और बताओ लो जी चलो लो जी सुनो, हमने ये कर लिया वो कर लिया, अभी तक वो 300 आईडी कैसे आए थे पुलवामा, हमारे शहीद जवानों से उसका पता लगा अभी तक नहीं लगा पता, इनको सिर्फ ना वोट 2019 में इनको वोट मांगना था, वोट मांगना, एक वोट शहीद हो गया बताओ 19 से। अरे रुको ना, जो मोदी जी फोन करके रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं आधे घंटे के लिए, वो मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा सकते, अपने घर के अंदर की लड़ाई रुकवा सकते, ढूंढना भी भैया रोजगार अच्छे दिख नहीं रहा है। मोदी जी घर में आके थोड़ी देंगे रोजगार आपको, सर हम जानते हैं कि घर में रोजगार नहीं देंगे वो आके, लेकिन उन्होंने इस टाइम हिंदू मुस्लिम करके ये हाल करवा चुके हैं वो, कि कोई भी मुसलमान हिंदू के पास काम नहीं कर सकता, कोई भी हिंदू मुसलमान के घर में जाके काम नहीं कर सकता, क्यों? मोदी से पहले नहीं करते थे सब मिलजुल के काम, आज मंदिर बना के वो मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे। मोदी जी 400 पार है। हाँ बिल्कुल जी, 500 पार है मोदी जी, तो क्या बात कर रहे हो, 400 की बात कर रहे हो? ईवीएम में यही कृपा जब तक है तब तक मोदी जी 500 पार है। ईवीएम में क्या दिक्कत? बैलेट पे लड़के दिखा दे और 50 पार करके दिखा दे, फिर बात करूंगा मैं। बैलेट पे, बैलेट पे 50 पार करके दिखा दे, फिर बात करूंगा मैं। बैलेट हो या ईवीएम हो, मोदी जी आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जी, वो तो ईवीएम पे तो मोदी जी ईवीएम पे तो 500 पार है यार। हाँ। बैलेट पे 50 पार करके दिखाएं। अच्छा हाँ। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? बिल्कुल सच्चाई बोली पाजी ने, बिल्कुल बैलेट पेपर से जीत गए ना। हाँ। इनकी औकात नहीं जीतने की, इनके दम नहीं, क्योंकि झूठ बोलते हैं हमेशा। क्या ऐसा अगर गड़बड़ी नहीं है ईवीएम में, मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार के लोग जितने भी ये कह रहे हैं कि ये सब गलत है, ईवीएम का ऐसा कोई मुद्दा नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आप कराओ ना। आप कह दो विपक्ष को हम तैयार है, एग्री है राज्य। अब अच्छा चलो, एमपी में बड़ी बहुमत से जीते थे ना, अब जो अभी आखिरी का चुनाव हुआ, अभी जिसका रिजल्ट 5 जनवरी को आया, वहां कैसे हार गए? एक ही सीट रह गई थी। नहीं अभी एमपी में जो आखिरी हुआ है, राजस्थान में जो इलेक्शन हुआ है अभी, बाई इलेक्शन जो हुआ है अभी, हाँ उपचुनाव जो हुआ है, वहां कैसे हार गए? जीतता तो वहां भी जीतते ना, वहां भी तो ईवीएम थी। अरे ईवीएम थी ना, ईवीएम टाइम कितना था, वोटिंग कब हुई, रिजल्ट कब आया, उसके बीच का वेरिएशन देखो ना, 3 तारीख को वोटिंग हुई, 5 को रिजल्ट आया, मतलब कम समय में काम नहीं हो पाता, कम समय में घोटाला नहीं हो पाता है। जो 19 लाख देश की ईवीएम मशीन गायब है ना। हाँ। वो ऐसे नहीं गायब है, जवान मुंह में दिखाया था ना क्यों गायब करी जाती है ईवीएम मशीन, बस वो सच्चाई दिखाई है। पाजी ये बताइए, कभी मोदी जी को बुला गए थे आप इलेक्शन कमीशन पे भी आप आरोप लगाने लगे हैं। मैडम भाई साहब मेरे को एक चीज बताओ, इलेक्शन कमीशन का तोता बना के अपने बिठा रखा है, पंजाब गवर्नमेंट में वो आदमी था संजय, क्या नाम है उसका, शर्मा था कि क्या है, वहां से उसने रिजाइन दिया पंजाब गवर्नमेंट से, और अगले दिन ही उसको यहाँ पे जो है
दिल्ली पूरे उसका इंडिया का सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बना दिया। कैसे बना दिया आपने? तेलंगाना में, कर्नाटक में, पंजाब। प्रक्रिया होती है ना, आपका कैमरा मैन है, कल को माइक जब पकड़ेगा, जब पहले कैमरा मैन बनकर ठीक और आपके तरह सवाल पूछना सीखेगा, ऐसे थोड़ी उसको पहले आप कैमरा पकड़ा दोगे। शुरुआत होती है किसी की कहीं से होती है, धीरे धीरे कंडक्टर ही आगे जाके बस का ड्राइवर बनता है ना, कि डायरेक्टिव ड्राइवर बन जाता है, उस्ताद बन जाता है, नहीं बनता ना। मोदी जी देखिए गुजरात में विकास करके आए, देखिए फिर दिल्ली में 10 साल विकास किया, फिर आ रहे हैं। हाँ वो गुजरात मॉडल का विकास हम देख रहे हैं, गुजरात मॉडल का विकास। इसीलिए आपने बोला ना गुजरात का विकास, अभी गुजराती भाई आए थे कुछ लोग यहाँ पे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो पता वो क्या कह रहे थे, गुजरात के अंदर इतनी हालात खराब है, आए थे लोग आत्महत्या करते रहते, सुसाइड करते थे भुखमरी में, भुखमरी फैल रही है वहाँ, बेरोजगारी है वहाँ, और बात करते हैं गुजरात का मॉडल बनाएंगे, अपने सिटी को मॉडल नहीं बना पाए, देश को क्या घंटा मॉडल बनाएंगे? मोदी जी का विरोध करना है आपको बस। मोदी जी का विरोध, हम गलत चीजों का विरोध करेंगे खुल के। मोदी हम पीएम के बैठ, पीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वोट देकर हमने पीएम बनाया, कुर्सी से मोदी जी को होता और तो उसके बाद कौन पूछता मोदी को, कौन मोदी? पचास साल तक भाई साहब लाल किले पे 50 नेता आए, 50 गए, ठीक है ना, जब तक वो नेता रहते हैं, जब तक कुर्सी पे रहते हैं तब तक इज्जत कुर्सी की होती है, कुर्सी तो उतरने होंगी, इज्जत कौन करता है? और ये जो कर्म कर रहे हैं, जो अपने लिए अपने काम जो कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से उतरने का कुर्सी उतरने का देश छोड़ के भागेंगे, देश छोड़ के भागेंगे जो ये कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म कर दिए भाई साहब? जहर की फसल ना, जब आप जहर का बीज बोते हो ना, फसल भी जहर की काटते हो, तो ये जो बोरे है ना काटना इनको पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है पाजी, आप सबका सर्वनाश हो रहा है। लाल किला बंधक रख दिए, दाल मियां क्या कर दिए, बंधक रखे हैं जो गिरवी रखे हैं, बेच दिया केजरीवाल, और केजरीवाल जो है ना, जो लड़की को फ्री कर रखा है उसका बाप का नहीं है, मेहनत करके हम सीट नहीं मिलता है, ताली ना दीजिए, हाँ हमें सीट नहीं मिलता है। मोदी जी आएंगे? नहीं आएगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, गलत है, गलत बोल रहे हो आप, नहीं चाहिए मोदी 400 पार, क्योंकि नहीं चाहिए हर चीज बहन, जब से आदमी जब से ये मोदी आया ताली दे रहे हैं। अब राहुल गांधी यात्रा पे निकले, क्या कहेंगे? राहुल गांधी यात्रा पे निकले हैं, अभी तो 74 से यात्रा शुरू होगी, अभी से इनके पेट में रोल बड़ी शुरू हो गई है, ये मणिपुर में जा रहे हैं, मणिपुर से करेंगे, मणिपुर से क्यों कर रहे हैं फलाना, और यार तुम हिजड़े की तरह वहां नहीं गए, गलती तुम्हारी है, अगला शेर की तरह पहले ही वहां पे आया था बोल के गर्ज के आया था, मैं तुम्हारा नहीं शेर है, अगला पहले शेर की तरह गर्ज के आया था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी यार अभी वहीं से यात्रा शुरू कर रहा है भाई साहब, इतने सेंसिटिव माहौल के अंदर यात्रा शुरू करने का मतलब समझते हो? हिम्मत चाहिए, ये थोड़ी 56 इंच बोल रहे थे, मेरा 56 इंच का ना 56 इंच का हो जाएगा। अरे मोदी जी को कहा जाता है कि शेर है वो, अकेले शेर है, तो फिर 36 जो साथ में जोड़ीदार बनाया वो किसने बनाया? 4-6 महीने पहले अगला आदमी कहता है, फरवरी में एक आदमी कहता है अकेला सब पे भारी, मई आते आते इतनी हालत खराब होती है कि 36 खत्म बनाने पड़ते हैं साथ, क्यों बनाने पड़ते हैं? वो तो कह रहे हैं हम, आप ये जो गठबंधन है ये भी टूट जाएगा। ओ भाई उनको पूछो, उनको एक मिनट रुको, उनको पूछो सबसे पवित्र गठबंधन होता है पति पत्नी का, वो गठबंधन ही निभा सके, बाकी का निभाएंगे। सही बात है, बिल्कुल राइट। अब ये गठबंधन मोदी जी कह रहे ना गठबंधन टूटने की बात, मैं कह रहा हूँ 2024 में बैलेट पेपर से इलेक्शन करो, मोदी जी का घमंड टूट जाएगा। कितनी सीट आएंगी? 4 नहीं आने वाली, आप 400 कह रहे ना, 4 नहीं आने वाली, बैलेट पेपर से करो इलेक्शन, जमीन नहीं इनकी। अभी मूर्ख बहुत है भाई, अभी देश में मूर्ख बहुत है, जिस दिन तक कपड़ा शरीर पे उतने तक मूर्ख है, जिस दिन कपड़ा उतर गए ना उस दिन मूर्खता भी उतर जाएगी। 400 पार है मोदी जी, मोदी जी 400 बिल्कुल 101% 400 पार। अरे ये रहे जो ये नशे में है लग रहा है जो बोल रहे हैं ना, इनको अंबेडकर, इनको बता दिए अंधभक्तों को, अंधभक्तों को मैं बता दूं, हम अंबेडकरवादी नशा करते तो अंबेडकरवादी विचारधारा का, अंधभक्ति विचारधारा का नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अच्छा एक बार बताओ, एक मिनट बोलो, एक बार रुको, तुम बाबू कहाँ के वकील, कहाँ के तुम डॉक्टर, रुको ना भाई, तुम कहाँ के डॉक्टर लगे हो भाई? मैं चावड़ी में। तुम डॉक्टर हो बिजनेस ही कर रहे हो, तुम डॉक्टर हो, तो तुम कैसे बोले नशे में? नहीं बोले कैसे तुम लगे नशे में? तुम कैसे बोलेगा नशे में? किसी को तुम क्यों बोलोगे? किसी को नशे में क्यों बोलेगा? तुम बेवकूफ वाला बात कर रहे हो सब यार, बीजेपी के
समर्थक सारे नशेड़ी है, बस उनको सामने वाले को गलत बोलना है। क्यों बनना, तुम डॉक्टर क्यों बनना है? एक बात बताओ, मोदी मतलब क्या बैलेट पेपर से होगा, चार सीट भी नहीं आएगी? भूल जा रहे, कहता रहा हूँ मैं पांच का हूँ मैं। अरे मैं क्या गलत क्या नहीं करा बता दो मुझे। अरे तुम पांच ही काम गिनवा दो, मैं बता दूं, तुम तो पांच ही गिनवा दो, बता दूं। गोधरा कांड, पुलवामा, और बताओ। लो जी चलो, लो जी सुनो, हमने ये कर लिया वो कर लिया, अभी तक वो 300 आईडी कैसे आए थे पुलवामा? हमारे सही जवान से उसका पता लगा अभी तक नहीं लगा पता। इनको ना वोट 2019 में इनको वोट मांगना था, वोट मांगना, एक वोट शहीद होगा नाम बताओ 19। अरे रुको ना, जो मोदी जी फोन करके रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं आधे घंटे के लिए, वो मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा सकते, अपने घर के अंदर की लड़ाई नहीं रुकवा सकते? 19 से लेके आज तक 3 किलो आईडीएक्स कश्मीर के अंदर कहां से आया था तक उसका नहीं पता लगा सकते? मतलब घर के बाहर तुम जो है वो देवी शक्ति आ जाती है, घर के अंदर आते साला पूछ निकल जाती है तुम्हारी क्या? सही बात। अरे बताइए कितनी पार है, 400 या 500? 400 पार है भाई साहब, 4। अरे बोला ना आपको, ये वही है भाग गए, वो तो भागेगा ही, ये वही है, जेब में दाना नहीं है, लंगर लगाना है। अच्छे दिन आ गए आपके? नहीं जी, बिल्कुल कोई अच्छे दिन नहीं आए, जब से मोदी जी आए हैं कोई अच्छे दिन नहीं आए, बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हो चुका है, और यहाँ तो काम ढूंढना भी मुश्किल हो गया है, काम ढूंढना भी, भैया रोजगार अच्छे दिख नहीं रहा है। मोदी जी घर में आके थोड़ी देंगे रोजगार आपको? सर हम जानते हैं कि घर में रोजगार नहीं देंगे वो आके, लेकिन उन्होंने इस टाइम हिंदू मुस्लिम करके ये हाल करवा चुके हैं वो, कि कोई भी मुसलमान हिंदू के पास काम नहीं कर सकता, कोई भी हिंदू मुसलमान के घर में जाके काम नहीं कर सकता। क्यों? मोदी से पहले नहीं करते थे सब मिलजुल के काम, आज मंदिर बना के वो मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं।